लोकसभा चुनाव के बाद अब देश भर की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति गठबंधन की सरकार है। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया था, लेकिन बीच में ये बातें कई जगह गाहे बेगाहे देखने को मिली कि फडणवीस को कहीं ना कहीं इस बात का मलाल तो है ही कि जिस टीम के वे कभी लीडर हुआ करते थे, आज उसी टीम में असिस्टेंट की भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की माने तो आगामी विधानसभा के चुनाव में महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में किसी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं करेगी। साथ ही भाजपा कुल 288 सीटों में से कम 160 सीटों पर दावा करेगी। मुख्यमंत्री पद और सीटों की संख्या दोनों को लेकर भाजपा के रुख ने शिवसेना और एनसीपी खेमे को नाराज कर दिया है। भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया गया है कि महायुति के किसी भी नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नए मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी उसी पैटर्न पर चुनाव लड़ेगी जिस पैटर्न पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी ने किसी भी नेता को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था। महाराष्ट्र में भी यही प्रक्रिया अपनाने के इच्छुक है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी कम से कम 160 सीटों पर दावा करेगी। 107 सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा, बातचीत के दौरान इसी संख्या पर जोर दिया जाएगा। पार्टी को यकीन है कि 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और उसके बाद ही सीएम पद पर दावा करेगी। भाजपा ने हाल ही में कहा था अगर वो सबसे ज़्यादा सीट जीतती है तो उसका उम्मीदवार सीएम पद पर दावा करेगा। दूसरी ओर शिवसेना ने कहा चूँकि शिवसेना में विद्रोह के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार बनी थी, इसलिए शिवसेना चाहे जितनी भी सीटें जीत ले, शिंदे ही सीएम होंगे। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने कहा कि सीएम पद पर कोई समझौता नहीं होगा, शिंदे साहब ही सीएम बने रहेंगे। एनसीपी के एक नेता ने कहा कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर दावा करेगी और शिवसेना भी बराबर सीट की मांग करेगी, जबकि बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना 100-100 सीट की मांग कर रही हैं, हमें उम्मीद है कि दोनों 80-80 सीटों पर समझौता कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में लिया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।